हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाली है एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न वो दे चुका है और डेली ही 10% के हिसाब से भाग रहा है। अपर सर्किट ही लग रहा है एक तरीके से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को जाके आप नीचे देख लीजिएगा, आई बटन पर लिंक भी दे दूंगा और नीचे वीडियो सेक्शन पर जाएगा तो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले अडानी ग्रुप से रिलेटेड। अडानी ग्रुप का एक शेयर है अडानी गैस, जो कि कंटिन्यूस अगर बात की जाए 2 दिन में से गिरता जा रहा है। और क्यों गिर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो इसी तरीके से गिरता रहेगा और क्या हमें उसे एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर हमें और इसमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, तो इससे रिलेटेड हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े तो आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल से कनेक्ट कराएं, ताकि हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके और हम एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज करके आगे बढ़ सके। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो 2 लिंक दे रखे हैं। अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी तरीके का। और ऑब्वियसली बात है, एक अगर आपका एक भी अकाउंट है तो 2 अकाउंट हमेशा होने चाहिए। और बात करें यहाँ पर श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो इसके लिंक पे क्लिक करें और ये आपको इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो चाहे वो डोनेट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं तो वो उसका नाम है अडानी टोटल गैस। तो अडानी टोटल गैस के रिटर्न आपको पता ही है किस तरीके के मिले। अगर हम यहाँ पर बात करें 6 मंथ की, तो ये शेयर यहाँ पर चलता था 389, हमने भी तभी आसपास खरीदा था, इसमें 3 यहाँ पर खरीदा था समझ सकते हैं। और उसके बाद जो रैली बनाई है इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट अगर बात करें यहाँ पर 5 दिन की, तो 5 दिन में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 6 अप्रैल से, मतलब 2 दिन से 3 दिन से कह सकते हैं कि 3 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है और लगभग 20% गिर चुका है। बट अगर बात करें अगर किसी पर्टिकुलर यहाँ पर जिसने नीचे से लिया होगा, तो ये इसने 250% तक के रिटर्न दिए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आया था ये शेयर। और नीचे आने के बाद अगर बात करें तो लगभग अभी 180% के रिटर्न पर हमारा रह गया है। बट कोई बात नहीं, अच्छे शेयर है, ओके, हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट आज भी होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो 359 का यहाँ पर ये शेयर ओपन हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके की रैली यहाँ पर देखी गई है, ओके। यहाँ पर इस कंपनी को आए हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर आज के परफॉर्मेंस की, तो देखिए 993 पे शेयर चल रहा है, ओके, और इसमें लोअर सर्किट लग रहा है 2 दिन से अगर बात की जाए तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई की बात करें तो लगभग 1250 रुपये 6 अप्रैल को 2 दिन पहले ही लगा है। और यहाँ डिलीवरी बेसिस पर बात की जाए 46% के शेयर आज की डेट में भी उठाते हुए हमें मिले हैं। और बात करें यहाँ पर कितने, तो 1,19,690 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे लोगों ने उठाए हैं। क्यों उठाए हैं, इसके पीछे भी तो कुछ रीज़न होगा, ओके। लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि कोई भी किसी भी कंपनी में शेयर खरीद लेगा, ओके। तो अगर बात करें कि शेयर क्यों गिर रहा है उससे रिलेटेड बात करेंगे। और प्रमोटर्स की होल्डिंग देख लेते हैं 75%, पब्लिक की होल्डिंग बात करें तो पब्लिक के पास 25% नहीं है, इसमें FIIs DIIs सब इंक्लूड है। और डिविडेंड तो थोड़ा बहुत ही देता है, डिविडेंड तो यहाँ छोड़ दीजिए, अगर प्राइस एप्रिशिएशन हो रहा है उससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। अगर बात करें यहाँ पर शेयर गिर भी, तो कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ पर शेयर गिर क्यों रहा है। तो देखिए शेयर गिरने के पीछे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक रीज़न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप एम मार्केट कैपिटल, ओके, 100 बिलियन, तो व्हाट शुड इन्वेस्टर डू आफ्टर मल्टीबैगर रिटर्न्स, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर, ये मनी कंट्रोल की साइट है, तो इन्होंने 6 घंटे पहले ये न्यूज़ डाली है, लगभग 10 बजे आज के दिन ही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने साफ बोला है प्रॉफिट बुक, जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उनके एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर केवल प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। प्रॉफिट बुकिंग के रीज़न से ही यहाँ पर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें अडानी गौतम अडानी ने पिछले 2 दिन में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर संपत्ति खोई है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण। बट आपको बताना चाहता हूँ, ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है। अडानी के 5 से 6 शेयर मार्केट में लिस्ट है और उन 5 से 6 शेयरों में ये शेयर एक सबसे बेहतरीन शेयर मुझे नज़र आता है, अडानी टोटल गैस। क्यों नज़र आता है, तो इसके पीछे का रीज़न है, देखिए सबसे पहले 2 साल ही हुए हैं, 2 साल में 3000% के रिटर्न, 1 साल में 600% के रिटर्न। और जिन्होंने यहाँ पर केवल 3 से 4 महीने पहले भी ख़रीदा है उनके पास भी कितने परसेंट के रिटर्न है, 250% के 200% के रिटर्न उन्हें भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ बात करें क्यों, तो
क्यों का आंसर ये है कि प्लेजिंग इनके जो शेयर है, ओके अगर अडानी आप टोटल गैस देख ली, टोटल गैस को छोड़ के कोई भी शेयर उठा लीजिए, पावर उठा लीजिए, ग्रीन उठा लीजिए, एज वेल एज बात करें इंटरप्राइज उठा लीजिए या फिर आप पोर्ट उठा लीजिए, हर एक में 5 से लेकर 30% 35% तक के शेयर गिरवी रखे हुए हैं। बट यहाँ पर अगर ये शेयर की बात करें, केवल एक लौता शेयर है जहाँ पर कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है, और बात करें मार्केट कैप की तो यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा का इनका मार्केट कैप यहाँ पर हो चुका है अडानी गैस का, 1 लाख किसी आप लार्ज कैप कंपनी में बैठे हुए हैं और मल्टीबैगर कंपनी में बैठे हो जिसका ROC भी 35% है, तो इस तरीके का आपको रिटर्न मिलना स्वाभाविक है। ओके आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर शेयर में। सेल्स की बात की जाए, सेल्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 40 करोड़ का प्रॉफिट और 146 करोड़ के प्रॉफिट में है। अगर बात करें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस भी यहाँ पर देख सकते हैं जंप देखी गई है, यहाँ पर 162 करोड़ का प्रॉफिट 440 करोड़ के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, हमेशा की तरह कहूँगा। अगर बात करें रेवेन्यू अच्छा होता है, सेल्स अच्छे होते हुए हमें कंटिन्यूसली सेल्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं, एज वेल एज बात की जाए प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आता है, उस कंपनी में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही कंपनी आपको आगे चल के बढ़ाएगी। ओके रिजर्व्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर रिजर्व्स लगभग दुगने हो चुके हैं 2 साल के अंदर अंदर। अगर बात करें यहाँ पर बोरिंग की, कंपनी के पास बोरिंग है बट घटते हुए मैनर में, यहाँ पर देखिए 2 साल पहले 1300 करोड़ रुपये के लगभग की बोरिंग थी, आज 408 करोड़ की बोरिंग रह गई है। इन्वेस्टमेंट कंपनी के 352 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 36 करोड़ का कैश भी इक्विवेलेंट में है, कंपनी के एसेट भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की तो कोई शेयर तो गिरवी है ही नहीं, फिर भी 75-74% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है जो कि खुद गौतम अडानी साहब है। FIIs की बात करें तो देखिए 20% की हिस्सेदारी यहाँ रख रखी है। तो FIIs ने क्या किया है यहाँ पर, तो कुछ FIIs ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया है और प्रॉफिट बुक करके उन्होंने और ये पैसा ना और कहीं शिफ्ट कर दिया। बात करें यहाँ पर देखिए DIIs भी काफ़ी कम है, बट यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 4% की हिस्सेदारी यहाँ पर रखती है, बाकी सारी हिस्सेदारी अच्छे मतलब 95% 96% की हिस्सेदारी बड़े लोगों के पास ही है, पब्लिक के पास बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर पब्लिक के पास कम होती है ना तो समझ जाना कंपनी कुछ ना कुछ अच्छा कर रही है। और यहाँ पर कुछ FIIs होंगे जिन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करी है और अपना जो पैसा है, ओके जैसे कि आपको पता ही है IT के शेयर अच्छे खासे चल रहे हैं, फार्मा के शेयर अच्छे खासे चल रहे हैं, तो पैसा ट्रांसफ़र होता है, पैसा ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर होता है और कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोच रहे हो कि वो अपने घर पर रखेंगे बैंक में रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, बड़े लोग कोई बैंक में पैसा नहीं रखता, सब पैसे यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। और हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है इसलिए हम यहाँ पर निकल नहीं रहे, हम यहाँ पर केवल वेट कर रहे ये दोबारा इस तरीके की जंप लगाएगा। और मुझे तो इस शेयर पे काफी भरोसा है कि अच्छा खासा शेयर है और आपको बाय ऑन डिप्स करने का मौका मिल रहा है। अब आपको ने जब 1274 पे नहीं खरीद सकते थे तो आपको मौका मिल गया है 993 पे खरीदने का। अगर बात करें जिन्होंने यहां पर खरीदा है वो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ओके और बात करें यहां पर देखिए जब ये शेयर 96 के यहां पर देख रहे हैं RSI, यहां पर आप देख सकते हैं RSI चेंज हो रही है, तो यहां पर आप देखिए 96 के RSI पे पहुंच गया था इसलिए यहां पर प्रॉफिट बुक हुई है। और जब 70 या उससे ऊपर जाता है तो लोग घबराने लग जाते हैं और अभी देखिए फेवरेबल हो गया है, 62 के RSI पे आ गया और ये देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, इसके रिजल्ट आने वाले और रिजल्ट आते साथ ये शेयर आपको 1500-1600 रुपये और जिस तरीके की रफ्तार ये दिखाता है तो ये अच्छा खासा आपको भागता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखिए छोटी मोटी गिरावट हर बार हुई है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गिरावट हुई है, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर इस शेयर में हुई है। यहाँ पर ये शेयर के 176 पे चलता था, फिर इसके बाद ये शेयर देखिए 174 पे आया, फिर उसने कंसोलिडेट किया, फिर एक रैली बनाई, फिर यहां पर देखिए ये शेयर 358 पे आया जब मैंने लिया था, इसी लेवल पर लिया था, फिर 301 तक आया था, आ गया था मेरे लेते ही साथ फिर नेगेटिव में आ गया था बट मैंने होल्ड किया। और फिर यहां पर देखिए ये कंसोलिडेशन फेज, सेम कंसोलिडेशन फेज, इसके बाद जो इसने रैली बनाई है तो इसने रुका नहीं है यहां पर, अब सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। ओके यहां पर इसने थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है, प्रॉफिट बुक थोड़ा बहुत यहां नीचे आ सकता है, फिर इसके बाद कंसोलिडेट करेगा और इसका फिर दोबारा जंप लगाएगा और ये शेयर फिर 1500 और 2000 का लेवल पे पहुंचेगा। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, काफी बेहतरीन है। ओके बिल्कुल ना के बराबर कर्ज है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है और अडानी ग्रुप का सबसे अच्छा शेयर मुझे यही लगा नजर आता है। बाय ऑन डिप्स करने का मौका है, कोई पोजीशन बनाना चाहता है तो यहां पर अपनी पोजीशन बना सकता है,
बट एक आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरी कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली आपको बताना चाहता हूँ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपनी खुद की स्टडी करके ले लीजिएगा। बाकी मेरी जो स्टडी थी, जो मुझे लगता था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर लाया जाए और आप शेयर बाजार में घबराए नहीं बट इन्वेस्टर हो। पकड़ के रखो शेयरों को, अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।